Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, आज हम देखने वाले एक सिंपल सा प्रॉब्लम वेल्डेड कनेक्शन. जब कोई भी रूफ ट्रस है उसमें अगर हम एंगल कनेक्ट करना है वेल्डेड कनेक्शन तो कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका एक सिंपल सा हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं. ओके सो क्वेश्चन, अ टाई मेंबर ऑफ रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ISA 100x100x8 कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट ऑफ 10 mm थिकनेस. द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग पुल ऑफ 120 kN. डिजाइन वेल्डेड कनेक्शन एज्यूमिंग साइट वेल्ड. टेक सी एक्सेस इज इक्वल्स टू 27.6 mm. अभी क्या दिया हमें, एक टाई मेंबर ऑफ रूफ ट्रस जिसमें एक सिंगल ISA कनेक्टेड है जिसका कि साइज हमें मेंशन किया है 100x100x8 जो कि गसेट प्लेट से कनेक्टेड है जिसका कि थिकनेस हमें 10 mm दिया है. देन इट इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग पुल, तो हमें यहाँ पे वर्किंग लोड दिया है तो हमें इसे पहले फैक्टर लोड में कन्वर्ट करके लेना होगा जब भी हम सॉल्व करेंगे तब. देन डिजाइन वेल्डेड कनेक्शन, देन साइट वेल्ड बोला है यहाँ पे, देन सी एक्स एक्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस दिया विच इज 27.6 mm. ओके सो और स्टेप वन इज मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड विच इज T-1.5. टी अब यहाँ पे थिकनेस है 8 mm, सो सिंपली 8-1.5 विल गेट 6.5 mm. देयरफॉर विल प्रोवाइड वेल्ड ऑफ साइज 6 mm, क्योंकि 6.5 इज मैक्सिमम वेल्ड साइज तो हम उसे थोड़ा कम करके प्रोवाइड करके लेंगे. सो विल प्रोवाइड वेल्ड ऑफ साइज 6 mm. देन नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड. सो अकॉर्डिंग टू आवर IS क्लॉज FWD इज गिवन एज FU upon root 3 into gamma MW. अभी FU 410 ऑलवेज वही रहेगा, अगर प्रॉब्लम मेंशन किया है तो 410 जो भी मेंशन किया है वो, अगर नहीं तो ऑलवेज 410 ही लेना है हमें. देन गैमा MW, अभी यहाँ पे हमें बोला है कि साइट वेल्ड है, साइट वेल्ड इज नथिंग बट और फील्ड वेल्ड ओनली, देयरफॉर गैमा MW का वैल्यू हो जाएगा 1.5. सो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करके लेंगे FWD इज इक्वल्स टू 410/√3 इंटू 1.5, सो विल गेट 157.8 N/mm². यहाँ पे हमें मिला डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड. देन वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm विच इज नथिंग बट FWD इंटू थ्रोट थिकनेस. ओके सो थ्रोट थिकनेस इज नथिंग बट 0.7 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, तो हम यहाँ पे लेंगे FWD जो कि 157.8, देन थ्रोट थिकनेस विच इज 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड इज 6. यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, हमें वैल्यू मिला 662.76 N/mm. अभी हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेंथ कितना है पर mm, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड विच इज नथिंग बट द फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm. अभी हमें जो 120 दिया गया था वो कैसा था, वर्किंग, तो हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो फैक्टर्ड लोड या फिर डिजाइन लोड में कन्वर्ट हो गया. सो 1.5 इंटू 120 इंटू 10^3 किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट करके लिया है डिवाइड बाय 662.76. सॉल्व करेंगे, हमें आंसर आया 271.59 mm. सो हमने उसको इन राउंड ऑफ करके लिया है सिंपली 280 mm में. ओके देन नेक्स्ट स्टेप हमें अरेंजमेंट करना है जो भी वेल्ड लेंथ आया है उसका. ओके तो यहाँ पे अभी हमें दिया है कि एक ऐसा 100x100x8 जिसका हमें साइज दिया है 100x100x8 का है, तो मतलब ये भी लेग 100 का, ये लेग भी 100 का, उसमें हमें CXX दिया है विच इज 27.5. सिंपली अगर ये टोटल 100 है, CXX है 27.5, दिस रिमेनिंग फ्रॉम टॉप रहेगा 100-27.6 विच इज नथिंग बट 72.4. ये वैल्यूज मिल गए हमें. देन ये जो है ग्रीन लाइन, ये ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाती है कि CG कहाँ से पास हो रहा है. देन हम यहाँ पे L1 और L2 एक अप्रोक्सीमेशन में प्रोवाइड करें उसका वेल्ड लेंथ. ओके सो वी नो L1 एंड L2 मस्ट बी इक्वल टू जितना की लेंथ रिक्वायर्ड है, सो विल गेट L1+L2 इज इक्वल टू 280 mm. देन अभी जैसा कि ये एंगल है तो ये अनइक्वल रहता है, मतलब इसका जो एक लेग है से बाहर ही रहता है, तो इसका CG हम कैसे मैच करेंगे. सिंपली विल टेक मूवमेंट्स ऑफ वेल्ड लेंथ एट CG, जो CG के अराउंड हम मूवमेंट लेंगे वेल्ड लेंथ का और उसको इक्वेट करेंगे इक्विलिब्रियम से, तो हमें क्या मिलेगा, L1 into 27.6 is equals to L2 into 72.4. अब ये नीचे वाला मैंने L1 बोला है, ऊपर वाला L2 बोला है उसके हिसाब से, सो विल गेट L1 is equals to 2.62 L2. तो अभी हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वी विल गेट 2.62 L2 + L2 is equals to 280, सो विल गेट L2 is equals to 77.34, तो उसे हमने इंक्रीज करके लिया, सिंपली राउंड अप करके लिया कि 80 mm में. देन वी विल गेट L1 is equals to 280 - 77.34, उसका वैल्यू आया
202.6 mm, तो उसको भी हमने राउंड ऑफ करके लिया 210 mm. तो यहाँ पे हमने पूरा कनेक्शन जो है डिज़ाइन कर लिया. तो बेसिक स्टेप्स सेम रहने वाले. तो बेसिक स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वेल्ड. सेकंड, टू डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड. थर्ड, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm. फोर्थ, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड. एंड फिफ्थ इज ओनली अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट में हमने L1 और L2 कितना है बस फाइंड आउट करके लिया. तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू इकीडा.